साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अचूक विधि दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं कि कोई भी रेमेडी जब आप करते हैं और यदि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब कि आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। देखिए रेमेडीज जो होती हैं, कोई भी वशीकरण हो गई या कोई सी भी विधि आप करते हैं, तो ये वर्क कैसे करती है? आपके दिमाग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जब तक आपका यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन, जब तक आपका अवचेतन मन ये नहीं बिलीव करता है कि ये रेमेडी वर्क करेगी, तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जी का फ्लो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। तो आपको पूरा फेथ रखना होगा, पूरा विश्वास रखना होगा। जितना ज्यादा विश्वास रख के और जितना आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग होगा, जितना आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा, उतना ज्यादा रेमेडीज वर्क करती है, उतना फास्ट रिजल्ट देती है। यदि दोस्तों आप लोग काफी विधि करके थक गए हैं, ठीक है, तो एक बार इस विधि को मेरे बताए तरीके से आप करके देखिए, क्योंकि मैंने काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये रेमेडीज करके दी है, ठीक है, और मेरे को दूसरे दिन में रिजल्ट मिला है। जब दोस्तों हम लोगों को रिजल्ट मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? पूरे विश्वास के साथ में बस जो टिप्स बताए जाते हैं, जो नियम बताए जाते हैं, उनको आपको फॉलो करना है। पूरा वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, सब सावधानियां बताई जाती हैं वो आपसे चूक जाती हैं, और तांत्रिक क्रियाओं में गलती की कोई गुंजाइश होती नहीं है। अगर आप गलती करेंगे तो कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी। तो जो जो सावधानियां बताई जाएंगी उस सावधानी को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस रेमेडी को सिर्फ एक दिन करिए। 15-20 मिनट, आधे घंटे का प्रयोग है, आप देखेंगे दूसरे दिन ही आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों दिन की बात करें तो किसी भी बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में, शनिवार के दिन में आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। शर्त यह रहेगी कोई भी स्टोन ना पहना हो, अल्कोहल ड्रिंक या नॉनवेज ये चीज आपको ग्रहण नहीं करनी है। सात्विक प्रयोग है, सात्विक तरीके से करना है। 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। समय की अगर बात करें तो सूर्य उदय से 10 बजे के अंदर इस रेमेडी को आपको कर लेना है। इन 3 दिनों में सूर्य उदय होता है, उसके बाद 10 बजे तक आपको इस रेमेडी को कंप्लीट कर लेना है दिन में। ये रात वाली विधि नहीं है, ये दिन वाली विधि है, ठीक है। सामग्री की बात कर लें तो दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी एक गुड़ के छोटे से टुकड़े की, ठीक है, एक लाल कपड़े की, और साथ में आपको अबीर यानी कि हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर, ये ओरिजिनल सिंदूर होता है जो वृक्ष से निकलता है, पेड़ से, इसलिए आपको हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर ही यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। और एकांत में करना है, गुप्त तरीके से, कोई आपको देखे ना, रोके ना, टोके ना। इस प्रयोग को बहुत ही गुप्त तरीके से करिए। सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, उनका यदि प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से करना होता है, ठीक है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विचवर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पर क्लिक कर लीजिए। कोई भी जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक आसन लगा करके बैठना है, जमीन पर नहीं बैठना है, सामने एक पटरा लगा लेना है, उसमें एक कपड़ा बिछा लेना है। कोई भी तांत्रिक क्रिया करते हैं तो जमीन पर नहीं बैठा जाता है, जमीन पर सामग्री नहीं रखी जाती है। पूरी सामग्री को पटरे में कपड़ा बिछाकर उसमें रख लेना है आपको, एक लाल कपड़ा रुमाल के साइज का ले लेना है, ठीक है। पूर्व दिशा की तरफ मुख रख के बैठना है, नहा धोकर के, स्वच्छ होकर के, स्वच्छ कपड़े पहन करके इस प्रयोग को करना है। दोस्तों देखिए एक चीज और बता दूं कि कोई भी रेमेडीज यदि आप कर रहे हैं और किसी व्यक्ति पर असर नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि उस व्यक्ति पर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है। जिस व्यक्ति पर पहले से कोई ब्लैक मैजिक होता है, कोई तांत्रिक क्रिया होती है, बस वो कोई रेमेडीज वर्क नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको 100% विधि करके दी जाएगी जिसका रिजल्ट आप 3-5 दिन में देख पाएंगे, ठीक है। और यदि आप किसी और समस्या का समाधान चाहते हैं, आप अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, घर में ग्रह कलेश है, पति पत्नी मनमन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, कर्जा बहुत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टडी में, कैरियर में, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, या घर में किसी प्रकार की कोई बंदिश है, वास्तु अनबैलेंस है, तो जिसके कारण घर में बहुत परेशानी है,
तो अपना, या फिर आप बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट अगर अनबैलेंस होगा तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज करते हैं तो 100% रिजल्ट देती है। तो ऐसे किसी भी कंडीशन में मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो भी समस्या है उसका 100% आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और घर को प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, बंदिश वगैरह हटवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जो भी कंसल्टेशन चाहते हैं, जो भी समस्या का समाधान चाहते हैं मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सामने आपको बैठ जाना है, पटरा लगा करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, उसके बाद में आपको महादेव का ध्यान करना है। सबसे पहले अपने कुलदेवता कुलदेवी पितरों का ध्यान करें, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। फिर महादेव का, गणेश भगवान का, नवग्रह का, इनका ध्यान करें, आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। फिर वास्तुपीठ भगवान का, इनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो गुड़ की आपने ढेरी दी हुई है, इतने बड़े साइज के गुड़ का ढेला ले लें। इसमें आपको पूरा इसको, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है इसको पूरा लगा करके इसको आपको कवर कर देना है सिंदूर से, ठीक है। अब आपको जो कपड़ा लिया हुआ है रुमाल का साइज का, याद रहे लाल कपड़ा लेना है, कोई और कलर उसमें ना हो। कपड़े में आपको फोटो रख देनी है, अगले व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है, सामने देखता हुआ फेस, आजू बाजू देखते हुए, ऐसा नहीं लेना है आपको, एकदम क्लियर फेस की फोटो लेनी है, एक साल से पुरानी ना हो फोटो, ठीक है। पहले फोटो रखेंगे, उसके ऊपर गुड़ की डिगली रख देंगे, ठीक है। अब आपको फोल्ड करके और उसमें उसको बांधते हुए तीन गांठ आपको लगा देनी है, तीन गांठ लगाएंगे, ठीक है। और याद रखें इसमें आपको नाम नहीं लेना है क्योंकि आप आइडेंटिटी फोटो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका जो तंत्र कंप्लीट हो जाता है, अब आती है मंत्र की बारी। तंत्र और मंत्र दोनों मिलकर आपस में एनर्जी क्रिएट करते हैं जिससे कि प्रचंड वशीकरण होता है। सीधे हाथ में आपको रखना है, आंख बंद करना है और एक मंत्र आपको 251 बार, मंत्रों की काउंटिंग में जरा सी भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। 251 से 252 नहीं, 250 नहीं, 251 मतलब 251। अगर मंत्र आगे पीछे हो जाते हैं तो रेमेडी वर्क नहीं करेगी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सावधानी से इस क्रिया को आपको करना है, जरा सी भी सावधानी अगर आप चूक जाते हैं, गलत कर देते हैं तो रेमेडी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। मंत्र है ओम भूम वश्यम स्वाहा, ओम भूम वश्यम स्वाहा, ओम भूम वश्यम स्वाहा, 251 बार इस मंत्र से आपको अभिमंत्रित कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब 12 बजे से पहले, आप लोगों ने दोस्तों पुराने लोगों को कहते हैं सुना होगा कि घर से मीठा खा के निकल रहे हैं, पानी पी के जाओ, क्योंकि रास्ते में अगर चौराहा मिल गया, तिराहा मिल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसलिए कहा जाता है, चौराहे में तिराहे में क्या होता है कि कुछ शक्तियां होती हैं, कुछ टोने टोटके किए जाते हैं, ये क्या करती हैं, अगर मीठा खा के निकलते हैं तो ये तुरंत अटैक कर देती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम मीठे का ही यूज कर रहे हैं तो इससे बहुत ही प्रबल और प्रचंड वशीकरण होगा, ठीक है। चौराहे में कोई भी क्रियाएं करते हैं और मीठे से करते हैं तो उसमें पूरी शक्तियां जो होती हैं अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। तो आपको तुरंत जाना है ये क्रिया करने के बाद में, 12 बजे से पहले इस जो आपने तदका तैयार किया है तंत्र, इसको उठा करके चौराहे के बीचों बीच आपको रख देना है, पीछे पलट के नहीं देखना है, सीधे आपको वापस आ जाना है, ठीक है। आके थोड़ा सा हाथ पैर धो लें और अपने जो भी कार्य करते हैं आप उस कार्य को कर सकते हैं। मैंने पूरी सावधानियों सहित आपको पूरी विधि बता दी है। अगर इस विधि से आपने एक बार इस रेमेडी को, पूरी विधि को फॉलो करते हुए कर लिया, आप देखेंगे दोस्तों आपने वहां अपना काम किया और एक दो घंटे में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं, टोटल आपके अनुकूल हो जाएगा। अगर ब्लॉक किया है अनब्लॉक कर देगा, ठीक है, और आपसे मिलने की कोशिश करेगा वो व्यक्ति टोटल जिंदगी भर, जब तक आप देखेंगे तब तक वो आपके अनुकूल रहेगा। जितनी इंपॉर्टेंस आप देते हैं इसी के लिए आप रोते हैं, उतना व्यक्ति वो आपके लिए रोएगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों, पूरी विधि के साथ में आप करिएगा। पूरा वीडियो को एक बार देख लें, दो बार देख लें, कोई भी जानकारी आपको बीच में छोड़ देनी है। जो मैंने टिप्स बताए हैं, सावधानियां बताई हैं, उनको फॉलो करके अगर आपने ये रेमेडी कर ली, दोबारा कोई रेमेडी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैंने ये एक चीज बता दी है, किसी व्यक्ति पर पहले से कोई तांत्रिक क्रियाएं होती है उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है। यूट्यूब की सारी रेमेडीज होती है जनरल होती है, ठीक है, किसी के साथ मैच हो जाती है, किसी के साथ नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 100% आपको विधि करके दी जाएगी। कोई भी अगर तांत्रिक क्रिया उसको रिमूव करके आपको 100% रिजल्ट देने वाली विधि करके दी जाएगी, क्योंकि रुद्र मेडिटेशन की तरफ से कोई भी फ्रॉड वाला काम नहीं होता है, वर्क करने वाली रेमेडीज दी जाती हैं, ठीक है। और यदि बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं या फेस रीडिंग चाहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जानकारी काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें।
इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी अपना रिलेशनशिप बचा सकते हैं, इस जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।